अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। हिल लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि अपने आप में एक पूरा हेल्थ सिस्टम है, जहां एग्जीक्यूटिव वार्ड के साथ चैरिटेबल वार्ड भी है, साथ ही सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे, फार्मेसी, लेबोरेटरी, NICU और वेंटिलेटर की भी फैसिलिटी है। गर्भवती महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करवाने पर नॉर्मल डिलीवरी 8,000 रुपए और सीजेरियन केवल 25,000 रुपए में दवाइयों के साथ की जाती है। हिल लाइफ हॉस्पिटल में सभी इंश्योरेंस कंपनी की कैशलेस फैसिलिटी है। हिल लाइफ हॉस्पिटल सिर्फ दिखता महंगा है लेकिन महंगा है नहीं। एट समद एवेन्यू बिल्डिंग, आजमी बेकरी कंपाउंड, कल्याण रोड, भिवंडी। भिवंडी के 5th निजामपुर में 5 पीर कब्रस्तान इलाके में पीने के पानी को लेकर परेशान है लोग। लोगों का कहना है कि पिछले 28 सालों से पानी की तकलीफ है लेकिन अब तक पीने के पानी की राहत नहीं मिली। साथ ही सड़क और गटर की सफाई को लेकर भी जनता ने महापालिका को जिम्मेदार ठहराया। भिवंडी के बीड़ी कामगार सोसाइटी पर छाए संकट के बादल। रानाल गांव में स्थित बीड़ी कामगार सोसाइटी में रहने वालों को सरकार द्वारा 80,000 रुपए सब्सिडी घर के लिए दी गई थी लेकिन अब 20 साल बाद बैंक ने सभी कामगार सदस्यों को 3,82,000 रुपए भरने का नोटिस जारी किया है। वहीं बीड़ी कामगार वालों ने प्रशासन से लगाई है मदद की गुहार। भिवंडी के प्रभाग 4 के अंतर्गत कोतवाल शाह दरगाह परिसर में मकान नंबर 434 को अवैध निर्माण करा दिया गया है। ये निर्माण महापालिका की बिना किसी परमिशन के 7 मंजिला बनाया जा रहा था, जिसे महापालिका ने अवैध घोषित कर उसे जमीन दोष करने का आदेश जारी किया है, जिस पर बिल्डर और मकान मालिक ने स्टे ऑर्डर लाया है। वही महापालिका आयुक्त ने लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए बिल्डिंग में मकान या दुकान न खरीदने की सूचना का बैनर बिल्डिंग पर लगाया है। भिवंडी शहर में झोला छाप डॉक्टर्स पर नकेल कसने के लिए महापालिका ने कड़ा रुख अपनाया। मनपा के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जयवंत धुले ने भाग्यनगर में कार्रवाई करते हुए 3 झोला छाप डॉक्टर को फर्जी डिग्री के साथ पकड़ा, जिनके सभी दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट जब्त कर लिए गए। तीनों डॉक्टर लक्ष्मी नारायण ईगा, नरेश छापड़े और साहिबलाल वर्मा के खिलाफ शहर पुलिस स्टेशन में हुआ मामला दर्ज। भिवंडी के कारेली गांव के पुलिस चौकी के सामने एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक मजदूर पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। अजीत कुमार किसी काम से जा रहे थे, रात के अंधेरे में अज्ञात व्यक्ति ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी शिकायत अजीत कुमार ने भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में कराई दर्ज। अजीत कुमार का इलाज निजी हॉस्पिटल में जारी है। भिवंडी के कशेली गाँव में बुधवार 7 दिसंबर 2022 की शाम करीब 7:30 बजे एक स्थानीय गुंडे और मजदूर ठेकेदार गणेश कोकाटे पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर जख्मी किया था। इलाज के दौरान 8 दिसंबर 2022 को कोकाटे की मौत हो गई थी। इस मामले में भिवंडी नारपली पुलिस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही थी। थाने क्राइम यूनिट ने तांत्रिक विश्लेषण व CCTV के आधार पर अपराधियों की पहचान कर सहायक आयुक्त निरीक्षक भूषण शिंदे की गुप्त सूचना पर 2 अभियुक्त धनराज तोणकर और संदीप कुमार कनौजिया को गिरफ्तार किया और बहुचर्चित हत्या का खुलासा किया। थाने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर मिलने पर मलाड वेस्ट कुमारवाड़ा में रहने वाले भगवान सुदाम नामक बुजुर्ग के घर पर वाइल्ड एनिमल NGO की मदद से रेड किया गया, जहां फॉरेस्ट ऑफिसर को 117 मॉनिटर लिजर्ड की स्किन बरामद हुई, जिसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते थे। आरोपी ने कहा कि वो नेशनल पार्क से मॉनिटर लिजर्ड का शिकार करके उसकी स्किन से घूमट नामक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किया मामला दर्ज। कल रात करीब 11 बजे भिवंडी के भंडारी कंपाउंड अल्फा अपार्टमेंट के पास से एक ऑटो रिक्शा चोरी हो गया था, जिसका नंबर MH04JQ5340 है। रिक्शा मालिक समद जब्बार सैयद ने इसकी शिकायत भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में कराई दर्ज। साथ ही भिवंडी के नागरिकों से रिक्वेस्ट की है कि अगर कहीं भी इस नंबर का ऑटो दिखे तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। भिवंडी पोगांव के राजलक्ष्मी इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल पार्क में स्थित सुपरडील कार्गो एंड कुरियर प्राइवेट लिमिटेड में जॉब वैकेंसी निकाली है, जिसमें HR, टेलीकॉलर, रिसेप्शनिस्ट और पैकिंग के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन SSC एंड अबव, सैलरी 12,000 से 25,000 तक रहेगी। डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। आज सेंसेक्स 636 अंकों की गिरावट के साथ 60,657 पर हुआ बंद। वही निफ्टी 189 अंकों की गिरावट के साथ 18,042 पर हुआ बंद। गोल्ड 55,799 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 69,300 और क्रूड ऑयल 6,131 पे ट्रेड करते हुए।